मिल गए भाई साहब, दोबारा वहीं पर आ गए। कहाँ गए थे घूमने? अच्छा, मुझे दिखे नहीं। आए, चलो फिर आगे। ये कौन सा मंदिर है? सिद्धवट मंदिर है, माता सती ने यहाँ पर राम जी लक्ष्मण जी यहाँ पर तपस्या प्राप्त की, और अपने वो क्या बोलते हैं विक्रम बेताल की जो कहानी है ना, वो इसी पर आधारित है। अच्छा, विक्रम बेताल जी की। ठीक है भाई, तो इधर ये मंदिर उधर ही आना है? बस ठीक है, शुक्रिया भाई करण जी। तो करण जी हमें जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं है अभी। करण जी बोल रहे हैं जल्दी जल्दी आ रहे हो आप, तो पाँच पाँच मिनट में जाकर कितनी जल्दी दर्शन कैसे करो। मैंने बोला पाँव में छाले तकलीफ देने लगे अभी ज़्यादा, तो दर्शन करो अभी माता जी के। बैक कैमरा करता हूँ, यहाँ पे तपस्या चल रही है काफ़ी। तो यहाँ पे हवन वगैरह हो रहा है काफ़ी। यहाँ पे शिवलिंग ही है और सती माता का मंदिर नीचे है। तो ये नदी के पास है, बिल्कुल नदी के किनारे पे। यहाँ पे काफ़ी मंदिर हैं जो ज़्यादातर नदी के किनारे पे ही हैं, तो घूम घूम कर जाते हैं बस। तो यहाँ पर हवन वगैरह ही हो रहे हैं ज़्यादा। स्नान करते हैं, मछली को डाना ला रही आंटी। माता का मंदिर कीजिए दर्शन। माता जी के दर्शन कर लिए, अभी हम चलेंगे अगले स्टेशन की ओर अपने। करण जी बारी वेट कर रहे होंगे अभी तो अपना, तो लंगूर थे, एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय। मस्त बंदे, मस्त। कुछ नहीं बोल रहे, क्या बात है। खाओ 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 खाओ, नज़ारे लैन नज़ारे जिंदगी दे। सात गुलाब के ऊपर आप जैसा लेके चढ़ाओ, ठीक है। और यदि कोई बात मेरी समझ में ना आए तो दोबारा पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि ये जो मंदिर है मंगल का है, और यह पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर है, और यहाँ पे नव ग्रह में विराजमान मंगल ग्रह का जन्मभूमि जन्मस्थल। जैसे शनि सिंगापुर महाराज आप लोग जाते हैं वहाँ पे शनिदेव को, है ना, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर उज्जैन नगरी अवंतिका खंड में मंगल का है। और मंगल ग्रह जो है यहाँ पे बालक के रूप में अवतार है इनका, और शिव रूप में पूजा होती है महामंगल की। और आप लोग इतने भी शिव मंदिर में गए तो शिव का वाहन आपने अभिता नंदी देखा है, लेकिन ये विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पे नंदी नहीं है। यहाँ पे नंदी की जगह भेड़ का सवारी, भेड़ यानी कि मेंढा जो राजस्थान में पाया जाता है, जिससे ऊन निकलता है। और ये भेड़ होने का कारण ये रहता है कि महामंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है, नए गुरु के सेनापति और 21 भागों के अधिपति माने गए। शनि को जैसे आप लोग काली वस्तु चढ़ाते ना, लोहा तेल काली उड़द काला कपड़ा, ऐसे मंगल जी को चढ़ते हैं यहाँ पे लाल, और लाल वस्तु में चढ़ेगा आप लोगों का मेन ये वाला प्रसाद होता है। और पंचदान में चढ़ता है गेहूं बदाम मसूर लाल कपड़ा नरियल पुष्प प्रसाद खेर का माला कला हुआ, यह पूरा श्रृंगार, ये आपका नाम और आपका जो भी गोत्र है वो बोल के चढ़ाते हैं। नाम बोल के चलाएंगे तो अपना लगेगा, नाम और गोत्र बोल के चलाएंगे तो अपने अपने घर का यानी अपने अपने परिवार का, क्योंकि अपने हिंदू धर्म में गोत्र का बहुत बड़ा ओझा रखता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। यहाँ पे नाम और गोत्र का दान होता है, और गोत्र का दान करने से अपने अपने घर परिवार की जो 21 परेशानियाँ होती हैं, 21 अन्य परेशानियों का निवारण होता है, क्योंकि मंगल ग्रह 21 भाग के अधिपति माने गए हैं। और ये मंदिर की जो विशेषता है, ये मंदिर बना है पूरे पृथ्वी की नाभि बना, जैसे इंसानों का नाभि होता है, नाभि स्थल पर बना हुआ सेंटर पॉइंट है, कर्क रेखा पर विराजमान है। कर्क रेखा इसी मंदिर के शिखर से निकली, यहाँ से महाकाल, महाकाल से ओंकारेश्वर होती सोमनाथ मंदिर गई। और उज्जैन नगरी में आप आए हो तो आपका दर्शनीय प्रसाद केवल तीन जगह चढ़ेगा, और तीन जगह कोई भी पर्यटक खाली हाथ नहीं जाते हैं, महाकाल, काल भैरव और मंगलनाथ। महाकालेश्वर जाते जहाँ पे दूध जल बेलपत्र का दान होता है, और
के सेनापति काल भैरव यहाँ पे दारू चढ़ाते हैं। अब जरूरी नहीं कि अपन दारू पीएंगे तो पिलाएंगे या कितनी रीति को पिलाएं, फिर भी बाबा भैरव को दारू पिलाना है, क्योंकि जिससे बाबा भैरव को आप दारू पिलाओगे तो ही आपके महाकाल के दर्शन माने जाएंगे। बाकी आप उज्जैन में आए गए दर्शन करें, महाकाल दर्शन करें, कोई मतलब नहीं, क्योंकि काल भैरव भगवान महाकाल के द्वारपाल है, इसलिए वहाँ पे दारू चढ़ाना बहुत महत्व रखता है। और नए गुरु के सेनापति मंगल को दान करते हैं तो आपकी उज्जैन की दर्शन पूर्ण तीर्थ यात्रा सफल और पूरी मानी जाती है। इसलिए यहाँ पे आप साल में एक बार आओ या हजार बार आओ, यहाँ दान तीन मंदिरों पे चढ़ाना। अगर आपन एक घर के तो एक लेना, घर सबका अलग है, परिवार अलग है तो अलग चढ़ाना। तो एक नाम गोत्र का दान यहाँ होगा और एक काल भैरव, बाकी कहीं नहीं चढ़ेगा। चढ़ाने बाद यहाँ से दो माला यंत्र फोटो प्रसाद घर के लिए मिलेंगे। अगर उपयोग में ले जाना चाहो तो ये सारी सामग्री घर ले जा सकते हो, और नहीं ले जाना चाहो तो इधर पूरा श्रृंगार चढ़ा देना। ये पूरे परिवार के नाम से चढ़ेगा और एक छोटा अनाज है जो अपने अपने नाम से चढ़ेगा, जिसकी श्रद्धा हो वैसा चढ़ा सकते हो। ये ले तो सीढ़ियाँ इधर से मुख्य काफी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे अभी तो। तो यहाँ पे चावल से पूजा होती है शिवलिंग के ऊपर, चावल है यहाँ पे जो करवाना चाहे 1,050 रुपये लेते हैं पंडित जी, तो पूजा करवा सकते हैं। मंगलनाथ मंदिर के दर्शन हो गए अभी, तो आपने हिस्ट्री तो सुनी ली होगी, पर मैं विश्वास नहीं रखता उस बात पे कि अगर जिनसे हम मांगने आते हैं उनको ही क्या दे सकते हैं हम, तो वो मैं वहम नहीं करता उस बात का कि प्रसाद देना ही देना है। दे भी सकते हो, आपकी इच्छा है ना, अगर नहीं देना वो भी आपकी इच्छा है। तो दर्शन करने हैं हम तो दर्शन कर लिए, तो अभी हम आगे चलते हैं।